प्रदेश में अगर आपने आलोचना कर दी, जातियों का नाम ले लिया और कुछ ट्वीट लिख दिया, तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश को करीब से जानने देखने वाले लोग कहेंगे कि ये कोई नई बात तो नहीं, 2024 की बात तो नहीं, पहले भी होता रहा। तो क्या हुआ पहले? मुकदमा किनके ऊपर? पत्रकारों के ऊपर। ये भी नया नहीं है, उत्तर प्रदेश में पहले भी पत्रकारों पर मुकदमे होते रहे, लेकिन इस बार का मुकदमा बड़ा नायाब है। मुकदमे में यह लिखा गया कि ये आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश पे ठाकुरवादी सरकार चल रही है। और ठाकुरवादी सरकार का आरोप लगाने वाले दोनों लोग कौन? ब्राह्मण पत्रकार हैं। जातियां इसलिए बताई जाती है क्योंकि जाति एक सच्चाई है। इस मुकदमे का, पत्रकारों के ऊपर हो रहे FIR का रिश्ता भी जाति से बड़ा गहरा है। क्या है भाषा इस FIR की? सबसे दिलचस्प तो ये बात है, जिसने FIR कराई है उसकी भाषा क्या है, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। आज के वीडियो में ये बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर होने वाले मुकदमों की कहानी क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, और कैसे मुकदमा होगा, कौन करेगा, इसकी जरा सिलसिलेवार पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश के दो पत्रकार जो कि एक तो टेलीविजन में थे, एक टेलीविजन में नहीं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही थी, इन दोनों के ऊपर उत्तर प्रदेश में मुकदमा हो जाता है कि इन्हीं पंकज के नाम से, पंकज कुमार हैं, स्क्रीनशॉट लगा करके 12 वर्ग हस्ताक्षर के साथ वो मुकदमा कर देते हैं। और मुकदमा करते हुए दो पत्रकारों पर धारा 353(2), 197(1)(c), 302, मतलब 302 का भी मुकदमा है, धारा लगी है 356(2), 66, इस तरह की कई मतलब गंभीर धाराओं में वो मुकदमा कर देते हैं। और मुकदमा करने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ट्वीट एक किया, अभिषेक उपाध्याय करके एक पत्रकार है, दूसरी ममता त्रिपाठी, जिसमें से अभिषेक उपाध्याय का कोई इतिहास ऐसा रहा हो कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और निष्पक्ष तटस्थ पत्रकार रहे हों, ये सही नहीं है। अभिषेक उपाध्याय के अनगिनत ट्वीट आज भी लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो मुसलमान विरोधी, बुलडोजर के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार और जाने क्या क्या करके पत्रकारिता करते रहे। अखिलेश यादव से इन्हीं अभिषेक उपाध्याय ने एक बार कुछ अनाप शनाप सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें छू लिया, अब जाओ तुम पहले नहाओ। कई तरह के सवाल, मतलब एक बार एक टीवी चैनल पर बैठ करके वो माफिया पर सवाल कर रहे थे, यही अभिषेक उपाध्याय, राजा भैया से लेकर के तमाम लोगों के ऊपर सवाल कर रहे थे। और जब अखिलेश यादव ने जवाब दिया तो बहुत खराब ढंग से अखिलेश यादव के ऊपर हमला। चुनाव आया तो चुनाव में बीजेपी के पैरोकारी कर रहे थे, बुलडोजर के पक्ष में, मतलब अभिषेक उपाध्याय का एक ट्वीट ऐसा है कि बुलडोजर ही कई वोट बढ़ा देगा बीजेपी का। पत्रकार कैसे नैरेटिव बनाता है इसको लोग सब जानते हैं। दिल्ली में एक जगह पानी ज्यादा भरा था तो उसमें बगल में पानी कम है, लेकिन पानी में नीचे बैठ करके पत्रकारिता कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि पानी कितना ज्यादा है। लेकिन अभिषेक उपाध्याय, जो कि ये बैकग्राउंड मैंने केवल इसलिए बताया कि वो कोई उस तरह के प्रगतिशील खेमे के, बहुत तार्किक वैज्ञानिक सोच वाले और निष्पक्ष पत्रकार रहे हों या बीजेपी के विरोधी ही रहे हों, ऐसा कतई नहीं। लेकिन FIR अभिषेक उपाध्याय के नाम हो गई, ममता त्रिपाठी के ऊपर भी होगी क्योंकि उन्होंने अभिषेक उपाध्याय की ट्वीट को रीट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने किया, पता नहीं उन पर भी होगी कि नहीं जिन्होंने अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है, क्योंकि जब इन दोनों पर मुकदमा हो सकता है तो बाकी उत्तर प्रदेश में किसी पर मुकदमा हो सकता है। तो मुकदमा पत्रकार पर हुआ, यह कोई नया नहीं है। अभी मैं आपको सिलसिलेवार उसका एक एक उदाहरण दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुकदमा कैसे हो रहा है और कितना होता आया।
अब ये नहीं कहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये बात पिछली वीडियो में कह चुका हूं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा मुकदमा है तो थोड़ा राजनीति में मेहनत करिए, पहले विधायक बनिए, सांसद बनिए, मुख्यमंत्री बन जाइए, मुकदमा सब वापस हो जाता है। तो अब लौटिए जरा इस मुकदमे पर। पंकज कुमार, तहरीर दी है एनसीआरबी ने जो मुकदमे का सूची बनाई है, उस पर क्या लिखा है? उत्तर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद में है। देखिए भाई, एफआईआर हुआ है तो जांच पुलिस करेगी, न्यायालय करेगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा कि क्या सही क्या गलत, किसने क्या कहा, वो अब जांच का विषय हो गया। पत्रकार हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, मुकदमा जो करवाया है उसने अपना पक्ष रखेंगे। मैं एक बड़ी खास बात आपसे साझा करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की बड़ी नायाब बात है। अब उस खास बात को पहले देखिए, फिर उसके बाद जरा और इतिहास में ले चलूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुकदमों का क्या इतिहास है। आपको याद है तब तक कह के जा रहा हूं मिड डे मील में क्या खिलाया जा रहा है, यह रिपोर्ट कर दिया था एक पत्रकार ने, तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। अभी सिलसिलेवार बता रहा हूं, पहले इस नायाब एफआईआर को फिर से देखिए, पंकज कुमार की तहरीर और एफआईआर में दर्ज है ये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाद में है योगी आदित्यनाथ जी, उससे पहले वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, ईश्वर हैं, बड़े हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हम लोगों के लिए ईश्वर के अवतार के समान है, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। भारतीय भूभाग के सभी राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से लोकप्रियता के मामले में कोई भी महाराज जी के आसपास भी नहीं है। फिर से पढ़ूं? नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत भारी लाइन है, मुकदमे की कॉपी में है, वहीं से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईश्वर है, बाकी देश के मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय है, कोई भी इनके आसपास नहीं है और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर है, मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था में इतना काम किया कि जितना कोई किया ही नहीं, उसमें ही इनकाउंटर भी है चप्पल पहनने वाला। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर शिखर पर कई पहुंच गया, मुकदमे में लिखा जा रहा है कि जब से अपने जीवन से संन्यास लिया तब से उनकी कोई जाति नहीं है, बल्कि वो केवल एक सन्यासी है, महाराज जी एक मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों का कई बार दौरा कर चुके हैं। आजाद भारत के बाद सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान उनके नाम दर्ज है, इसमें कोई भी बात नहीं। अब ये जरा जितनी बातें हैं, क्या पुलिस इससे सहमत हो गई, एफआईआर में दर्ज हो गई? जरा आप अगर जानकार हैं तो मुझे जरा इसके बारे में जरा नीचे बताइए कि आप अगर किसी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं तो ये बातें मुकदमे में लिख जा सकती है। मुझे नहीं पता, मैं कानून का जानकार उतना नहीं हूं, लेकिन इस मुकदमे में ये लिखा है। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी सन्यासी होने के बाद जाति से ऊपर उठ गए? फिर इस इंटरव्यू का क्या करेंगे जिसमें उन्होंने बताया कि लोग आपके ऊपर क्षत्रिय होने का आरोप लगाते हैं? तो वो कहते हैं हां मैं क्षत्रिय हूं और मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर। ये वो जाति है जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं, सन्यासी योगी उनकी भी जाति खुद बता रहे वो, और भगवान की भी जाति बता रहे, तो जातिवादी कौन हुआ? और सन्यासी फिर आप कैसे हुए अगर आप अपनी जाति बता रहे? और उत्तर प्रदेश के लोग लगातार एक सवाल इस पूरे ट्वीट में क्या था कि जिस जाति के अजय सिंह बिष्ट जी, जो उनका पुराना नाम है, अब उनका नाम है आदित्यनाथ योगी, जिससे वो शपथ लेते हैं, तो ये आरोप यही तो लिखा इन लोगों ने कि भाई आपकी जाति जो बिष्ट यानी ठाकुर थी, उस जाति के सबसे ज्यादा अधिकारी आपके आसपास है, और एक एक नाम गिनवा दिया है कि प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सूचना विभाग, मंत्रालयों में भरे पड़े हैं एक ही जाति के लोग, डीएम एसपी सबसे ज्यादा उसी जाति के हैं जिसके मुख्यमंत्री जी हैं। क्या ये यूपी में नया हो रहा है? 86 में 56 एसडीएम का आरोप किसने लगाया था उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के ऊपर? वो भी एक पत्रकार था।
उस पत्रकार के ऊपर समाजवादी पार्टी ने मुकदमा नहीं किया, आज तक नहीं किया, पुण्य प्रसून वाजपेयी, तब वो आज तक में हुआ करते थे, अब तो वो नौकरी में नहीं, अब वो अपने यूट्यूब चैनल पर क्रांति कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी कि उन्होंने गलत खबर, फेक खबर छलाई थी कि यादव सबसे ज्यादा एसडीएम हो गए, जिसको मुख्यमंत्री ने सदन में कड़ाव के कहा कि 46 में 56 एसडीएम, माफी 86 में 56। मुख्यमंत्री का काम है 56 लोगों की सूची जारी कर देना। ये देखो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में 56 यादव एसडीएम हुए, आज तक नहीं हुए। आंकड़े बताते हैं 6 से 8 कुल यादव हुए एसडीएम। और अगर एक पत्रकारों ने यादवों की बजाय, अब उस समय क्या होता था, कोई भी घटना हो जाए तो यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हर समय होता था, टीवी स्क्रीन पर इस्तीफा मांगा जाता था, सब कुछ होता था। इन पत्रकारों ने क्या कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सन्यासी बनने के पहले वाली जो जाति है, जो बाद में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अब भी है, उस जाति के सबसे ज्यादा डीएम, एसपी, थाने में, सचिवालय में, मंत्रालयों में, मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे ज्यादा उसी जाति के लोग हैं। और एफआईआर करने वाला कह रहा है कि अब उनकी कोई जाति नहीं है। साफ तौर पर देश पे खुलेआम दुनिया देख रही है, अगर अपराधी का नाम विनीत सिंह है तो अपने पैरों पर चलकर पुलिस के बाहों में बाहें डाल करके वो सरेंडर करेगा, और अगर उस अपराधी का नाम मंगेश यादव है तो मार डाला जाएगा चप्पल पहनकर। इसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर भी जाति नहीं है उत्तर प्रदेश में। एक डीजीपी है पुराना, वो रिटायर हो गया, वो भी ये बात बोलता, ये तो अब देश देख रहा है। बुलडोजर इतना मुसलमानों और तमाम उन लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर चला कि सुप्रीम कोर्ट ने चाबी निकाली, और ये जो पत्रकार थे ये लोग इसको बात को कर रहे हैं। तो एफआईआर क्या कहता है कि महान है वो, और नहीं तो आगे क्या लिख रहा है। उपरोक्त उपलब्धियां महाराज जी को एकदम अलग छवि का निर्देशित करती हैं। जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, कई देशद्रोहियों के पेट में पानी नहीं पच रहा है, एफआईआर की भाषा है, कई देशद्रोहियों के कोट अनकोट पानी नहीं पच रहा है। और अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, नहीं देखे हो तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जबान किसकी कितनी हिंसक है, और उस हिंसक जवान पर खुद सन्यासी जी बोलते हैं, कुत्ते की दुम है तो सरगना गुरका, मतलब अब क्या बताएं, मतलब अब चेहरा ही मेरा उस तरह का हो जा रहा है। देशद्रोहियों को लगता है कि बाबा का काम इतना अच्छा है जिसके कारण जनता महाराज को सर्वाधिक प्रेम करती है। महाराज जी निर्विवाद रूप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द एफआईआर, महाराज जी निर्विवाद रूप से 24 घंटे जगकर, 24 घंटे जगकर देश एवं प्रदेश के जनता की सेवा कर रहे हैं। मतलब कब 16 घंटे किसी का हुआ, फिर किसी का 18 घंटे हो गया कि जागकर काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं लेते, थकते नहीं, पर्स नहीं रखते, आम चूस कर खाते हैं, तो 16 से 18 घंटे तक पहुंचा था, अब 24 घंटे जाग रहे हैं वो, ये एफआईआर में लिखा है, सरकारी दस्तावेज हो गया ये। अब भाई लिखा है भले, पंकज कुमार नाम के आदमी की तहरीर पर लिखा है, ये मैं आपसे साझा करना चाहता, जागते नहीं क्योंकि सोते ही नहीं, 24 घंटे जाग करके, और वो अपना काम कर रहे। अब जरा इनके काम का एक रिपोर्ट दे रहा हूं बीबीसी में, पत्रकारों के खिलाफ इतनी एफआईआर यूपी में क्यों, समीरात्मज मिश्र हैं ये 16 अक्टूबर 2020 को बीबीसी में लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनगिनत मुकदमे पत्रकारों के ऊपर हुए। 16 सितंबर 2020 को सीतापुर में रविंद्र सक्सेना क्वारंटाइन सेंटर पर बद इंतजामी की खबर दिखाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा। 19 जून 2020 को वाराणसी में सुप्रिया शर्मा, पीएम नरेंद्र मोदी के गोदली गांव डोमरी में भूखे रहने वाले विवश लोगों की खबर दिखाती हैं। एससी एसटी एक्ट 1989 और मानहानि की धारा 501, फिर आईपीसी 269, ये मुकदमे सुप्रिया शर्मा। 31 अगस्त 2019 मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पंकज जायसवाल नाम के एक पत्रकार ने सरकारी स्कूल में अनियमितता
और मिड डे मील के खाने में केवल नमक और रोटी खिलाई जा रही है इसकी खबर चलाती, एफआईआर हो गया पंकज जायसवाल के ऊपर। और उसके बाद जब पूरे देश में हंगामा हुआ तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं, हालांकि इस रिपोर्ट कहती है कि बाद में एफआईआर हटा लिया गया। 10 सितंबर 2019 आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना की रिपोर्ट करने वाले 6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर, संतोष जायसवाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मारने का आरोप। 7 सितंबर 2020 बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन करने संबंधी खबर के मामले में 5 पत्रकारों पर एफआईआर, आशीष तोमर, शकील अहमद, लाखन सिंह, आमिर खान और मोइन अहमद। 3 सितंबर 2019 लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी को नोटिस, एसीएम की कोर्ट में हाजिरी के लिए कहा गया, मुहर्रम में शांति भंग करने की बात हुई। इसी उत्तर प्रदेश में दवायर के संपादक के ऊपर, सिद्धार्थ वर्जरंजन के ऊपर 2 एफआईआर की गई। लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री के शामिल होने की खबर छापकर अफवाह उड़ाई थी और उसके बाद फिर इनका मामला आगे चला। स्थानीय कई पत्रकारों का फतेहपुर, यूपी के फतेहपुर जिले के पत्रकार अजय भदौरिया पर स्थानीय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दी। एक नेत्रहीन दंपति को लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी किचन से खाना लेने में कितनी दिक्कत हो रही है इस पर खबर दिखाई तो अजय भदौरिया पर मुकदमा। पंकज जायसवाल की खबर आपने सुनी ही, प्रशांत कनौजिया उन्होंने ट्वीट कर दिया था उनके ऊपर, उनको तो जेल में रहना पड़ा। रविंद्र सक्सेना के ऊपर सीतापुर में मुकदमा, प्रशांत कनौजिया को तो 18-11 दिन के न्यायिक हिरासत में, 18 अगस्त को एक ट्वीट किया था और उसी उत्तर प्रदेश में ये मामला हुआ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार, और उसके बाद आप देखेंगे हाथरस का केस होता है और हाथरस के केस में एक पत्रकार जब वो आता है उसकी रिपोर्टिंग करने और उसको पहले गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया, और इस समय यही पत्रकार, इसमें से अधिकांश पत्रकार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उन खबरों को शायद पता नहीं दिखा भी पा रहे हैं कि नहीं, कि जैसे मान लीजिए फेक इनकाउंटर की खबर पूरे देश में चल रही है, इस उत्तर प्रदेश में कितने लोग उस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे पता नहीं उस पर भी मुकदमा हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय मुकदमा कितना हो रहा है और कुछ भी बोलने पर कोई भी जेल में डाला जा सकता है, कोई पैर में, अभी अखिलेश यादव ने बोला कि पैर में गोली मार करके जितने लोगों को पकड़ा जा रहा है वो सारे फर्जी, अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई माफिया और मठाधीश में अंतर नहीं होता। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भाषा आपने देखी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, औरंगजेब, कुत्ते की दुम है, ये है वो है। उत्तर प्रदेश में राजनीति बिल्कुल नए दिशा में जाती दिख रही है और अगर यही दिशा रही तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ये बातें और बढ़ेंगी। अब ये एक बात आखिर में कह के जा रहा हूं कि हर मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी व्यक्ति आज आप उसको हीरो बना देंगे, पता चला कि कल का उसका ट्वीट निकाल कर देखेंगे तो वो घोर सांप्रदायिक न निकल जाए, मुसलमान विरोधी निकलेगा, वो आरक्षण विरोधी निकल जाएगा, संविधान विरोधी उसके ट्वीट निकल आएंगे, तो बच के रहना है। लेकिन हां, अगर कोई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो तो बोलना पड़ता है और बोलना जनता के पक्ष में खड़ा होकर, इसलिए उत्तर प्रदेश में बोलना क्या कुछ करवा सकता है, सजग होना होगा। आपका क्या मानना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।